हम बात कर रहे हैं जेंसर टेक की। अगर आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ हमको फ़िलहाल ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने दूसरी दफ़ा भी 580 के लेवल से रिजेक्शन लिया। इससे पहले भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया था और हमको 500 तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी। और जब 500 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है तो इस 580 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हालांकि ब्रेकआउट होना चाहिए था इस बाउंस बैक के साथ, लेकिन वहां से हमको सेलिंग प्रेशर बड़ा देखने के लिए मिला है। अब ये जो लेवल है 500 का लेवल, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहां तक के हमको फॉल देखने के लिए मिल सकता है, यहां तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, यहां से हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि स्टॉक ने 580 के लेवल से रिजेक्शन लेकर बड़ी गिरावट दिखे आई है। अभी स्टॉक 500 के ऊपर कंसोलिडेट हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में पोजीशन यहाँ बनाई जा सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। 520 से लेकर 540 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर 500 के नीचे ब्रेकडाउन दे गया तो वैसे कंडीशन में हमको 480 तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी इंतज़ार करना है थोड़ा, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट पे या तो फिर नीचे 500 के आसपास हमको एंट्री लेनी है।